Hi guys, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ that how do I remove tanning from my body. Now it's really important कि आपके body के ऊपर tanning ना हो, और tanning अगर हो तो आप उसको remove कर लो, क्योंकि एक तो आपकी skin पे जो pigmentation होती है, अगर tanning हो जाएगी और आप उसको नहीं ध्यान रखोगे तो आपकी skin के ऊपर वो permanent pigmentation हो जाती है और आपकी hands और जो भी है skin बहुत ही dark हो जाती है. तो इस वीडियो में मैं बार बार ये बात बोलूंगी कि अपनी skin को light करना है, तो please don't get me wrong, I am totally against fairness, I do not like fairness products. और ये fact कि हम अपनी skin को light करें जो भी beautiful लगेगा, लाइट करेंगे तो हम गोरे लगेंगे, तो ये वो आई जस्ट हेट दिस थिंग. मुझे ऐसा लगता है कि हम जोन सा कॉम्प्लेक्शन लेके पैदा हुए हैं दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन. अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है, डार्क स्किन टोन है, लाइट स्किन टोन है, इट डजेंट मैटर, आप जिस कॉम्प्लेक्शन के साथ आए हो इस दुनिया में दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन, ठीक है. तो टैनिंग की बात करें तो टैनिंग और फेयरनेस बहुत ही डिफरेंट से कॉन्सेप्ट्स हैं. अपनी स्किन के नेचुरल टोन को बनाए रखना गलत नहीं है. सो टैनिंग और फेयरनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स, सो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग देयर. तो मैं सच में ये वाली टैनिंग वाली वीडियो को शेयर मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे मुझे एक माइंड में डर था कि कहीं आप लोग मुझे गलत ना समझो और आप ये मत समझो कि मैं जो है फेयरनेस को प्रमोट कर रही हूँ. आई डू नॉट प्रमोट फेयरनेस. सो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इफ यू गाइज डोंट नो, मैं गोवा गई हुई थी और गोवा में हमें स्कूटी में घूमना था, धूप में घूमना था, तो मुझे बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई थी. एंड यू नो अनटिल अनलेस मेरी स्किन ग्लो कर रही है आई डोंट माइंड टैनिंग. बट कई बार क्या होता है कि स्किन बहुत ही डल लगने लग जाती है टैनिंग की वजह से, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको रिमूव करो और वो पक्के पिगमेंटेशन पक्की ना हो जाए, स्किन के ऊपर पक्के दाग ना बन जाए. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम उसको रिमूव करें. तो आज मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि मैं एक्चुअली अपनी डेली लाइफ में यूज करती हूँ टू मेंटेन माई नेचुरल स्किन टोन. एंड मैं आपके साथ कुछ रेमेडीज भी शेयर करूंगी जो कि आप यूज कर सकते हो, और टैनिंग अगर आपको हो गई है तो आप उसको उससे रिमूव कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं दिस अमेजिंग सोप की. दिस इज द कोजी केयर सोप एंड दिस इज अ रियली नाइस सोप. नाउ इसके ऊपर भी लिखा हुआ है स्किन वाइटनिंग सोप. नाउ अब अगर हमें टैनिंग रिमूव करनी है तो स्किन वाइटनिंग या फिर लाइटनिंग वाले प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, वी कांट डू एनीथिंग. तो ये है कोजिक एसिड से बना हुआ. सो दिस सोप इज मेड आउट ऑफ कोजिक एसिड जो कि होता है राइस के फर्मेंटेशन से ये प्रोडक्ट कोजिक एसिड बनता है. तो उसकी हेल्प से ये सोप बना हुआ है. तो राइस जो होते हैं आई थिंक आपको पता ही होगा, राइस इज अमेजिंग टू रिमूव योर पिगमेंटेशन, टू लाइटन योर स्किन टोन. डोंट गेट मी रॉन्ग देयर, टू लाइटन योर स्किन टोन राइस इज रियली इंपॉर्टेंट. तो ये राइस की फर्मेंटेशन से बनता है, प्लस इसमें विटामिन ई भी है, विटामिन सी भी है. सो विटामिन सी एंड ई जो होते हैं दे आर अमेजिंग टू रिमूव पिगमेंटेशन, योर एक्ने स्पॉट्स, किसी भी टाइप के अगर आपकी पिगमेंटेशन हो रही है, दाग धब्बे कुछ भी हो रहा है, दे आर अमेजिंग टू रिमूव दैट. तो जो टैनिंग होती है दैट इज ऑल्सो पिगमेंटेशन. तो दिस सोप इज अमेजिंग. मैं इस सोप से लगे वाले नहीं, मेरे पास और भी बाथरूम में पड़े हुए हैं जिससे कि मैं एक्चुअली रोज नहाती हूँ एंड वर्क करता है, इट वर्क्स अमेजिंग. ये स्किन बहुत ही ग्लो कर देता है, स्किन में ग्लो आ जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा जब हम नहा के निकलते हैं लगता है वाओ. तो गोवा से आने के बाद मैंने ये वाला जो सोप है वो रेगुलर बेसिस पे यूज किया है एंड विद इन अ वीक मैंने अपने स्किन में डिफरेंस देखा है. मेरी टैनिंग 100% रिमूव हो चुकी है. एज यू कैन सी अभी स्किन के ऊपर कोई भी टैनिंग नहीं है, बिल्कुल मेरा नेचुरल स्किन टोन मेंटेन्ड है, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी नाइस सोप. मैं आपको और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दे देती हूँ. सो दिस इज एंटी एजिंग सोप. तो एंटी एजिंग वी ऑल वॉन्ट, क्योंकि 25 के बाद तो यू नो स्किन की रक्षा करना इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि एजिंग जो होती है दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. यू कैन डिले इट बट यू कैन नॉट स्टॉप इट, बट एटलीस्ट वी कैन डिले इट. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमारे प्रोडक्ट्स जो भी हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं दैट हैज सम सॉर्ट ऑफ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इन दैट इट मॉइस्चराइजेज योर स्किन. दिस इज नॉट ड्राइंग, इवन दो कोजिक एसिड है इसके अंदर, ये ड्राइंग नहीं है. आपकी स्किन को ऑयली नहीं करेगा तो ड्राई भी नहीं करेगा, एकदम नॉर्मल रखता है, नेचुरल रखता है आपकी स्किन को. प्लस इट ऑल्सो सेज कि इसमें सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी है. सो वॉट एल्स यू वॉन्ट लाइक हम फेस के ऊपर तो सनस्क्रीन अप्लाई कर ही लेते हैं, बट हमारी यू नो बॉडी के ऊपर हम सनस्क्रीन इतनी नहीं भी अप्लाई करते हैं. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सोप. ये ऐसे आता है ब्राउन से कलर का, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो अमेजिंग, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी है, रियली लव. इससे मुझे नहाने में बड़ा मजा आता है.
तो बेसिकली टैनिंग को अगर हमें रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये वाले सोप से अच्छे से नहाना होगा अपनी बॉडी पे, यू नो, अच्छे मल के, ताकि रिमूव हो जाए आपकी टैनिंग। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ अपना बॉडी लोशन। आप अगेन आप कोई भी बॉडी लोशन अप्लाई कर सकते हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि बॉडी लोशन हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो नरिश रहे, हाइड्रेटेड रहे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को नरिश रखो। अगर स्किन हाइड्रेटेड होती है तो आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी लगती है, ग्लोई लगती है। एंड देन मैं मास्क अप्लाई करती हूँ, तो मास्क के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैं बेसन लेती हूँ, यू नो, एंड उसके अंदर मैं डालती हूँ हल्दी, उसके अंदर डालती हूँ दही। नाउ ये जो तीन है, अगर आपको पता ही होगा हम इंडियन ट्रेडिशन में जब लड़की की शादी होने वाली होती है उसको हल्दी अप्लाई करते हैं, तो हल्दी जो होती है वो स्किन को ग्लो देती है, आपकी टैनिंग को रिमूव करती है, जो भी पिगमेंटेशन होती है उसको रिमूव करती है, आपकी स्किन बिल्कुल इवन टोन बना देती है। तो इसलिए वो लड़की की जब शादी होने वाली होती है बेचारी की, तभी उसको हम हल्दी अप्लाई करते हैं। तो व्हाट आई डू इज मैं ये वाला मास्क ना, लाइक इससे नहाने के बाद मैं ये वाला मास्क अप्लाई करती हूँ एंड ऐसे ही बैठ जाती हूँ। मैं ये मास्क जो है मैं 2 times a वीक अप्लाई करती हूँ एंड मेरी सारी टैनिंग रिमूव हो जाती है, मेरी सारी जो भी अनइवन स्किन टोन होती है सब रिमूव हो जाती है। सो बॉडी का फ्लॉलेस स्किन टोन हो सकता है ना। सो बॉडी लोशन के लिए ऑनेस्टली यू गाइस मैं कोई भी बॉडी लोशन यूज कर लेती हूँ, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। मुझे वैसलीन का अच्छा लगता है तो मैं वो यूज करती हूँ और ऐसे ही ट्राई करती रहती हूँ मैं नए नए। तो वैसलीन का जो है वो मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है, येलो वाला। एंड बट सोप के लिए तो ऑनेस्टली ये वाला बहुत ही अच्छा है, स्पेशली अगर मुझे टैनिंग रिमूव करनी है या फिर आई वॉन्ट कि मेरी स्किन थोड़ी सी ब्राइटन अप लगे, लाइटन ब्राइटन हो जाए, तो आई यूज दिस सोप। दिस इज एक्चुअली रियली नाइस। इसका जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस जस्ट गो अहेड एंड ट्राई दिस। अगर आप टैनिंग से परेशान हो रहे हो सो आपके ये एक्चुअली आपकी स्किन टोन को अच्छा इवन आउट कर देगा और ब्राइटन कर देगा। So that's it for this video, you guys. This is what I do on regular basis to remove my tanning. जो ये इससे तो मैं daily, obviously इससे तो मैं daily नहाती हूँ, obviously मैं नहाती हूँ, ठीक है। And जो body lotion भी मैं daily apply करती हूँ and जो mask है वो उसको मैं 2-3 times a week करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। And honestly, you guys आप 3-4 बारी soap को use करोगे so you will definitely see the difference in your skin tone. आपकी skin tone बहुत ही अच्छी brightened up हो जाएगी and या आपकी जो भी natural skin tone है वो निखर के आएगी। So what else you want, right? So that's it for this video, guys. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में मेंशन किए, they are gonna be listed in the description box below along with my favorite body lotions as well. तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उनका परचेज लिंक, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप, मेक श्योर फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड ऑन माय टिकटॉक अकाउंट, कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस देखनी है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट एंड आई विल लव टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।